यूएई में खेले जा रहे टी20 में भारत के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद लोग उनसे नाराज हैं, जिसकी भड़ास सोशल मीडिया पर साफ देखने को मिल रही है। फैंस खिलाड़ियों पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। अब उनके गुस्से का गुबार न केवल खिलाड़ियों पर बल्कि उनके परिवार पर भी दिखने लगा है। लोग इस मैदान की जंग में खिलाड़ियों के परिवार वालों को भी घसीट लाए हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां विराट और अनुष्का की प्यारी बेटी पर लोगों ने निशाना साधा है। उसको लेकर लोगों ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विराट को आड़े हाथों ले रहे हैं, जिसके बाद अनुष्का काफी दुखी हैं और यूजर्स के इस कमेंट से काफी नाराज हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी अनुष्का के करीबी सूत्रों से सामने आ रही है। बॉलीवुड लाइव को अनुष्का शर्मा के करीबी सूत्रों ने बताया, एक सेलेब होने के चलते अनुष्का ट्रोलिंग और नेगेटिव बातों को झेलने की ताकत रखती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग महिला हैं, ऐसे फेसलेस लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होती, लेकिन इस बार बात काफी आगे निकल गई है। अनुष्का और विराट सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो जानते हैं कि उनकी बेटी के बारे में क्या कहा जा रहा है। इस तरह के कमेंट्स देखकर अनुष्का का दिल टूट गया है। हर माँ की तरह वो काफी गुस्से में है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या अनुष्का बेटी पर इस तरह के कमेंट्स देखकर सोशल मीडिया छोड़ देंगी। इस सवाल पर सूत्रों ने बताया, वो गुस्से में है लेकिन वो सोशल मीडिया पर पहले की तरह ही रहेंगी। ये वैसे भी फेस्टिव सीजन है और वो नहीं चाहती कि ये सब भद्दी बातें अच्छे माहौल को खराब करें। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को दोनों मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें टीम इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के साथ था, जहां भारत को पाकिस्तान के हाथों हार मिली। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को उनके धर्म को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस दौरान विराट कोहली आगे आए और ट्रोलर्स की आलोचना की। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ हुए दूसरे मैच में भी भारत को हार मिलने के बाद लोगों ने विराट और अनुष्का की बेटी को निशाना बना लिया। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल को इस बारे में चिट्ठी लिखी है और रेप की धमकी को लेकर हो रही कार्रवाई पर जानकारी मांगी है। इसके अलावा महिला आयोग मामले में FIR की भी मांग कर रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।